तो अभी दोस्तों मैं बाज़ार में आया था एक पार्सल रिसीव करने, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये रहा, जिसकी अनबॉक्सिंग दोस्तों आपको घर जाके देखने को मिलेगी। तो आप लोग दोस्तों व्लॉग को पूरा देखना और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। फाइनली दोस्तों अभी मैं घर पे आ चुका हूँ और ये रहा हमारा पार्सल। तो इसके अंदर है दोस्तों फोटो फ्रेम, तो कितने हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, कितने का पड़ा वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं यहाँ से। इसको मैं कैंची से काट देता हूँ जल्दी से, और इस साइड को भी मैं जल्दी से काट देता हूँ। तो ये दोस्तों अलग हो चुका है दोनों चीज़ें। अभी हम लोग दोस्तों यहाँ से इसको ओपन करते हैं। ओपन कैसे करना है, शायद ऐसे ही ओपन करना है। तो पैकेजिंग दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कैसी है, और ये बॉक्स को मैं रख देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए साइड में, और इसमें भी ये जो डोरियाँ हैं इसको मैं साइड में कर देता हूँ, और देखते हैं कि कितने फ्रेम आए हैं। तो ये दोस्तों मैंने ऑर्डर किए थे 550 के, और 12 फ्रेम थे। यहाँ पर दोस्तों मैंने ऑफलाइन मार्केट में पूछा तो एक फ्रेम 200 का मुझे मिल रहा था, तो मैंने नहीं लिया। तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन देख लेते हैं, ऑनलाइन मैंने देखा हुआ था वैसे तो। अगर आपको भी दोस्तों ऐसे फ्रेम लेने हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। तो पैकेजिंग तो दोस्तों सही है, लेकिन ग्लास नहीं टूटा होना चाहिए। चलिए किसी एक निकाल के आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसा फ्रेम है ये दोस्तों। लकड़ी नहीं है, मेटल है, मेटल की पट्टी है, और ये ऊपर ग्लास से। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, तो बहुत ही आसानी से दोस्तों हम लोग इसे निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से, और अपनी फ़ोटो को लगा सकते हैं। और इसमें दोस्तों एक बड़ी फ्रेम है ये रही, जिसको भी दोस्तों काफ़ी अच्छे से लपेटा गया है ताकि नुकसान ना हो हमारा और उसका। तो कुछ ऐसी फ्रेम है दोस्तों, ये थोड़ी सी बड़ी फ्रेम है। तो अभी दोस्तों हम लोगों ने कर ली फ्रेम की अनबॉक्सिंग। तो आपको कैसी लगी फ्रेम में बताना जरूर कमेंट करके, और आप में से कोई भी फ्रेम ऐसी लेना चाहता हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। और अभी हम लोग दोस्तों आगे का जो व्लॉग है वो कंटिन्यू करेंगे, तो जाना मत कहीं शॉप पे। और जो भी लोग दोस्तों हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अभी दोस्तों मैंने कुछ फ्रेमें बाहर रखी है, और बाकी की जो फ्रेम है उसे मैंने कर दिया है बॉक्स के अंदर दोबारा से पैक, क्योंकि दोस्तों अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। जितनी फ्रेम की अभी हमें ज़रूरत है उतनी फ्रेम है हम लोगों ने बाहर निकाल दी है। और ये जो आप लोगों ने चिल्लाने की आवाज़ सुनी, ये प्रियांशी है, वो चिल्ला रही है, बोल रही है, खेल रही है, इसकी आवाज़ आपको आ रही होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 8 फ्रेमों की अभी ज़रूरत है, और बाकी की फ्रेमें मैंने अंदर रख दी है। तो चलिए मैं जल्दी से इनके अंदर उन फोटोज़ को डाल देता हूँ, फिर हम लोग इसे लगाने की सोचेंगे कि दीवार के किस साइड में हम इसे लगाएं। तो अभी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन सी फ़ोटो को लगाने वाला हूँ फ्रेम में। तो सबसे पहली फ़ोटो तो आप लोग ये देख लीजिए, मेरी और प्रियांशी की फ़ोटो। इसके बाद दोस्तों ये अकेली प्रियांशी की फ़ोटो, और ये मेरे साले साहब की फ़ोटो, और ये उनके बेटे की फ़ोटो। तो इतनी फ़ोटो दोस्तों अभी लगानी है, तो जल्दी से मैं लगा देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेम को दोस्तों कुछ इस तरीके से ओपन करना पड़ेगा, और इसके अंदर स्क्रू नहीं है, क्यों नहीं है मुझे पता नहीं। तो शायद इसको इस तरीके से मैं टूट ना जाए तो अच्छा है, और शायद इसको दोस्तों ध्यान से तो खोलना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर स्क्रू नहीं है, तो ये जो पट्टी जैसी दी गई है तो इसे हम इस तरह से ओपन करना होता है। अगर ज़्यादा ओपन करेंगे तो दोस्तों ये टूट भी सकती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ हमें ऐसी फ्रेमें देखने को मिलती है, और इसके अंदर कुछ ऐसा ग्लास है, और ये दोस्तों एल्यूमिनियम है शायद, या फिर लोखंड की पट्टी है, पता नहीं किसकी है, आयरन की पट्टी। तो चलिए हम लोग फ़ोटो को उतार देते हैं। तो फ़ोटो दोस्तों सही तरीके से इसके अंदर फिट हो चुकी है, और इसका जो ये कवर है काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी मजबूत है। तो आप लोग देख सकते हैं कि फ्रेम में फ़ोटो कैसी लग रही है। और अभी दोस्तों ये जो सारी फ़ोटो है फ्रेम में डालनी है, तो जल्दी से मैं इन सभी फ़ोटो को डाल देता हूँ, और फिर मैं चिपकाने की सोचूंगा कि किधर मैं इसको चिपकाता हूँ। तो अभी दोस्तों मैंने फ्रेम्स में फ़ोटो लगा दी है, ये सारी फ्रेमें पड़ी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं फ़ोटो लग चुकी है। और अभी दोस्तों मेरे हाथ में है रक्का भी, और मैं चाय पी रहा हूँ, तो आप भी चाय पी लो। अभी दोस्तों बज रहे 3:30 बज रहे शायद, पी लेना चाय, मैं भी पी लेता हूँ जल्दी से।